ओके, एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है, द एक्सपेंशन विल बी दिस, हम पहले ही देख चुके हैं कैसे है ये। अब यहां से हम बाइनोमियल कोफिशियंट जो है एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, अप टू एन सी एन, ये जो बाइनोमियल कोफिशियंट है इनमें हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखो ये जो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, उसके लिए एप्लीकेबल है ये जो एक्सपेंशन है, ये तो एक्स और वाई कुछ भी हो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पे केवल बाइनोमियल कोफिशियंट बचे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट फर्स्ट उसमें, इफ आई सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन, एक्स भी वन रख दूं और वाई भी वन रख दूं, क्योंकि मैं कुछ भी रख सकता हूं ना एक्स और वाई की वैल्यूज, तो केवल बाइनोमियल कोफिशियंट बचे, इसके लिए दोनों वन वन रख दूं ताकि कितनी भी पावर हो और प्रोडक्ट हो के अल्टीमेटली आना क्या है, ये सब वन वन आएंगे, ये वन आएगा, ये वन आएगा, ये वन आएगा, ये वन आएगा, तो केवल बाइनोमियल कोफिशियंट बचेंगे। तो देखो अगर मैं एक्स की जगह वन रखू, वाई की जगह वन रखू, तो वन प्लस वन क्या आएगा, टू, टू और व्हाट एन, तो क्या आएगा टू रेस्ट टू दी एन, दैट इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा एन सी जीरो, वन की पावर एन वन, वन की पावर जीरो अगेन वन, वन इंटू वन वन आएगा, तो एन सी जीरो इंटू वन, एन सी जीरो ही आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू जो है यहां पे चाहो तो रख दो, वन की पावर एन, वन की पावर जीरो, क्योंकि अगर एलएचएस में रखा है तो आरएचएस में भी रखना पड़ेगा, एन सी वन, वन की पावर एन माइनस वन, वन की पावर वन, प्लस एन सी टू, वन की पावर एन माइनस टू, वन का स्क्वायर, अब टू एन सी एन, एक्स की जगह वन रखा तो वन की पावर जीरो, वाई की जगह वन रखा वाई की पावर एन, तो टू रेस टू दी पावर एन इज इक्वल टू, ये क्या होगा एन सी जीरो इंटू, ये तो क्या है वन, एन सी जीरो प्लस यहां बचेगा एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री अप टू कहां तक एन सी एन। ये जो सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशियंट जो है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू रेस टू द पावर एन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट टू रेस टू द पावर एन, यहां पे देख लो, तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर अप टू प्लस एन सी एन, क्या आएगा टू रेस टू द पावर एन, ये जो भी है ठीक है, तो क्या आ जाएगा टू रेस टू द पावर एन। क्या किया मैंने, एक्स की जगह वन रख दिया, वाई की जगह भी क्या रख दिया वन रख दिया, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें, सपोज हमें फाइंड करना है अगर ये एन की बजाय टू एन है, सपोज टू एन सी जीरो प्लस टू एन सी वन अब टू कहां तक, टू एन सी टू एन तक जाएगा, क्योंकि टू एन सी जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर ये जो भी नंबर है वहां तक जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा टू रेस टू द पावर, ये पावर देखो ये तो जीरो से लेकर यहां तक है, तो क्या आ जाएगा टू रेस टू दी पावर टू एन, यहां भी देखो जीरो से लेकर कहां तक है एन तक है ना, तो टू रेस टू दी पावर क्या आ रहा है एन, तो ये क्या है टू रेस टू दी पावर टू एन, ये जो भी है ठीक। ओके, अब सेकंड देखते हैं, इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, इफ आई सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स क्या रख दिया मैंने वन रख दिया, वाई क्या रख दिया माइनस वन रख दिया, ठीक है एक्स वन रखा वाई माइनस वन रखा, एल एच एस में क्या आएगा वन माइनस वन, एक्स की जगह वन रखा वाई की जगह माइनस वन रखा की पावर एन, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा एन सी जीरो, एन सी जीरो वन की पावर क्या आएगा एन माइनस वन की पावर जीरो प्लस एन सी वन, वन की पावर
एन माइनस वन माइनस वन की पावर वन। अब तो कहां तक एन सी एन वन की पावर जीरो माइनस वन की पावर एन, ये क्या हो गया जीरो आ गया, जीरो की पावर एन जीरो। देखो ये एन सी जीरो वन की पावर एन, वन माइनस वन की पावर जीरो, सॉरी वन की पावर एन विल बी आउट वन माइनस वन की पावर जीरो, ये भी क्या आएगा वन, वन इंटू वन वन आ जाएगा। यहां पे देखो ये तो वन रहेगा लेकिन ये माइनस वन रहेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस एन सी वन। फिर थर्ड फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर आएगा, तो यहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे रख। फिर प्लस एन सी टू आया माइनस एन सी थ्री आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड में क्या आएगा माइनस वन की पावर एन एन सी एन। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है इन दैट केस उसका सम क्या आ जाएगा, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है क्या जाएगा जीरो। तो एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री एंड सो ऑन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट जीरो। मीन्स यहां पे अगर मैं अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देता हूं तो दैट विल बी व्हाट जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो थर्ड रिजल्ट में फाइंड कर रहा हूं। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग एड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो फर्स्ट ये वाली है सेकंड वो वाली है, दोनों को ऐड करोगे तो टू रेस टू द पावर एन प्लस जीरो क्या आएगा, टू रेस टू द पावर एन क्या आएगा, टू रेस टू द पावर एन चाहो तो ऐड कर लो प्लस जीरो, दैट इज इक्वल टू। अगर मैं उन दोनों को ऐड करता हूं तो देखो एन सी जीरो एन सी जीरो तो ऐड हो जाएगा लेकिन एन सी वन कैंसिल हो जाएगा, फिर एन सी टू ऐड हो जाएगा, एन सी थ्री कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई राइट टू टाइम्स एन सी जीरो फिर एन सी टू फिर एन सी फोर एंड सो ऑन इवन जीरो टू फोर सिक्स एंड सो ऑन। तो यहां से देखो एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये टू से डिवाइड कर दूं तो टू रेस टू द पावर एन माइनस वन, तो जीरो टू फोर सिक्स एंड सो ऑन इनका अगर सम निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू टू रेस टू द पावर एन माइनस वन। जीरो टू फोर जीरो टू फोर उसकी वैल्यू रख दूंगा टू रेस्ट फॉर एन माइनस वन, तो एन सी वन। तो कैन यू टेल मी, ये तो अपना थर्ड आ गया, ये वैल्यूज याद रख लेना। एक यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्थ, जीरो टू फोर इनके लिए देख लिया, अब ऑड के लिए देख लेते हैं एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव एंड सो ऑन। ये भी क्या होगा हाफ ऑफ द सम, ये और ये मिला के टोटल क्या टू रेस्ट फॉर एन तो आना चाहिए सारी टर्म्स मिला के, तो अगर हाफ ये है तो हाफ ये हो जाएगा, तो क्या जाएगा टू रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, ये जो अपना ये हो जाएगा फोर्थ। इनको समझ लो और याद भी रख लो, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री अप टू एन सी एन है तो टू रेस्ट फॉर एन, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री एंड सो ऑन तो जीरो। फिर जीरो टू फोर सिक्स उनके लिए देख लो एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर, फिर वन थ्री फाइव सेवन इनके लिए देख लो टू रेस्ट फॉर एन माइनस वन। ओके, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या होगा टू है, टू कहां से स्टार्ट करना है जीरो, क्या आएगा
ए की पावर 2 माइनस 0 टू बी की पावर 0 प्लस, फिर क्या आएगा 2c1, 2c1 है ए की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, बी की पावर 1, फिर आएगा 2c2, 2c2 ए की पावर 2 माइनस 2 0, बी की पावर 2, फिर आएगा 2c3, लेकिन वो तो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, भी है वही इसका क्या एक्सपेंशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2c0 याद है, nc0 क्या होता था 1, तो 2c0 चाहो तो वैल्यू फाइंड आउट करके देख लो क्या है 2c0 क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 माइनस 0 दैट इज व्हाट 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 अपॉन 1, तो 2c0 क्या आ गया 1, 1 इंटू ये ए स्क्वायर प्लस 2c1। सिमिलरली फाइंड कर लेना बेटा कि 2c1 जो होता है वो होता है 2, 2c1 जो है 2c1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2, तो ये क्या आ जाएगा 2ab प्लस 2c2, अगेन 2c2 क्या होता है ये भी 1 होता है, तो क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल, तो ऑब्वियसली 4 टर्म्स विल बी देयर, क्या करें 3, 0 से स्टार्ट करते हैं, ए की पावर 3, बी की पावर 0 प्लस 3c1 ए स्क्वायर बी प्लस 3c2 ए बी स्क्वायर प्लस 3c3 ए की पावर 0 बी क्यूब। अब 3c4 वो 3c5 3c6 ये तो सब 0 हो जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3c0 1 होगा तो ये ए क्यूब प्लस 3c1 ये 3 होगा, चाहो तो फाइंड आउट करके देख लेना, प्लस 3c2 अगेन 3 होगा, ये वैल्यूज अलग से फाइंड कर लेना, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यूज है। प्लस 3c3 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा बी क्यूब, तो होता है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ठीक है इतना ओके। तो हम यहां पे ये तो हमें पता था, हमने वेरीफाई कर लिया, अब चाहो तो तुम a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4 भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4 5 टर्म्स विल बी देयर। नाउ बेस्ड ऑन दिस जस्ट ट्राई टू राइट डाउन दीज टू एक्सपेंशन बाइनोमियल की हेल्प से, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n और सेकेंड जो है 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर n, ये दोनों एक्सपेंशन फाइंड आउट करो। तो यहां पे देखो हो गया ये, देखो क्या होगा nc0, पहले क्या है 1 की पावर n, 1 की पावर n, x की पावर क्या है 0 प्लस nc1, 1 की पावर n माइनस 1 क्योंकि 1 पहले आ रहा है ना, 1 की पावर n माइनस 1 फिर x, x की पावर 1, ये रटने की जरूरत नहीं है ठीक, एन सो ऑन, फिर क्या लिखूंगा nc2 nc3 अब तो कहां तक ncn, तो 1 की पावर पहले क्या 1 आ रहा है ना, 1 लिखा मैंने n माइनस n 0 x की पावर n, तो एक्चुअली क्या हो गया ये nc0 प्लस nc1 x
प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब अब टू कहां तक एन सी एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है ओके ये आ गया एक्सपेंशन। नाउ तो इस एक्सपेंशन में पहले उसको ही कंसीडर करता हूं मैं, इस एक्सपेंशन में सपोज ये भी हटा देता हूं, सपोज मुझे एक्स क्यूब का कोफिशियंट चाहिए इस एक्सपेंशन में, वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर एन में एक्स क्यूब का कोफिशियंट चाहिए, तो मैं क्या करूं पूरा एक्सपेंशन लिखूंगा उसमें एक्स क्यूब यहां आ रहा है, इसका कोफिशियंट क्या रहा है एन सी थ्री, तो यहां पर कैन आई से दैट कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन इज एन सी थ्री। सिमिलरली अगर मुझे कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर फाइव चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो एन सी फाइव आ जाएगा। तो यहां तो ये सिंपल है, लेकिन अगर मुझे ये सारी टर्म्स नहीं लिखना है, ये सारी टर्म्स नहीं लिखना है एंड कोफिशियंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए जस्ट वी राइट डाउन द जनरल टर्म। हम क्या कर देते हैं जनरल टर्म लिख लेते हैं, वो जनरल टर्म लिखने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम जनरल टर्म, यहां तो इजी था, जनरल टर्म लिख लेते हैं, जनरल टर्म कोई सी भी लिख लेते हैं, सपोज आर प्लस वन लिखते आ रहे हैं, आर प्लस वन लिख लेते हैं, क्या आएगा एन सी आर वन की पावर एन माइनस आर, वन ही रहेगा एक्स की पावर आर, ये जनरल टर्म आ गई। अब हमें क्या चाहिए एक्स क्यूब चाहिए, मीन्स ये वैल्यू जो है एक्स क्यूब के इक्वल होना चाहिए, तो एक्स क्यूब होना चाहिए, तो यहां से आर क्या आएगा थ्री होना चाहिए, तो आर थ्री है, अगर आर थ्री है तो उसका कोफिशियंट क्या है एन सी थ्री हो गया, आर थ्री आ गया तो क्या आ गया एन सी थ्री। इसकी एप्लीकेशन जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा, तो ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है इसको नोट कर लो। अब मैं यहीं पे वन माइनस एक्स रेस टू द पावर एन का एक्सपेंशन भी लिख देता हूं, वो शायद लिख लिया होगा तुमने, ये जो है सेकेंड क्या है वन माइनस एक्स टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन देखो एन सी जीरो वन, यहां क्या आएगा माइनस एक्स की पावर जीरो आ जाएगा क्योंकि विथ प्रॉपर साइन रखना है हमें, चलो मैं इसको हटाई देता हूं, हमें ये जो वैल्यूज है एक्स और वाई की ये विथ प्रॉपर साइन सब्स्टिट्यूट करना है, क्या होगा एन सी जीरो वन की पावर एन माइनस जीरो माइनस एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन वन की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर वन, फिर प्लस एन सी टू वन की पावर एन माइनस टू माइनस एक्स की पावर टू एंड सो ऑन, अब तो कहां तक एन सी एन वन की पावर जीरो माइनस एक्स की पावर एन, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ये एन सी जीरो माइनस एक्स की पावर जीरो वन आएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा एन सी वन एक्स प्लस, यहां पे प्लस ही रहेगा माइनस एक्स का स्क्वायर एन सी टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आएगा एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस माइनस अल्टरनेट माइनस वन की पावर एन एन सी एन एक्स टू दी पावर एन, सो दिस विल बी द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस एक्स रेस टू दी पावर एन। अगेन जो टोटल टर्म्स होगी वो कितनी होगी एन प्लस वन ही होगी, देखो वन से लेकर एन तक एन टर्म्स हो गई, एक टर्म ये एक्स्ट्रा है, तो टोटल टर्म्स विल बी एन प्लस वन। अब जनरल टर्म पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जनरल टर्म पे
सबसे पहले विल टेक फर्स्ट एग्जांपल. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस या 3x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6, 3x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6. इसका जो भी एक्सपेंशन होगा उस एक्सपेंशन में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले राइट डाउन द जनरल टर्म. तो मैं लिख लेता हूं कि जो भी आर प्लस वन नंबर की टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है. मैं अज्यूम कर लेता हूं आर प्लस वन नंबर की जो भी टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है. तो आर प्लस वन नंबर की टर्म क्या होगी, 6c r, जो भी टर्म है उससे कम है. बस 6cr पता चल गया. अब देखो ये जो 3x पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह क्या अपना है यहाँ पे 3x है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 माइनस r, 6 माइनस r, 1 बाय एक्स, इसकी पावर क्या आएगी 1 बाय एक्स, रेस्ट ऑफ द पावर क्या होगा आर, क्योंकि वाई की जगह क्या अपना 1 बाय एक्स है. पहले क्या किया हमने, जनरल टर्म लिखी है. अब यहां पे देखो उसको सिंप्लीफाई करें, 6cr 3 रेस्ट ऑफ द पावर 6 माइनस आर, क्योंकि एक्स वाली टर्म अलग करूंगा और कॉन्स्टेंट टर्म अलग करूंगा, तो 3 रेस्ट टू द पावर 6 माइनस आर एज इट इज आ जाएगा. यहां पे आएगा एक्स रेस्ट टू द पावर 6 माइनस आर, और यहां से भी एक माइनस आर आएगा. ठीक है, ओके. अब देखो ये जो है ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए. ये वैल्यू क्या चाहिए मुझे, 2 चाहिए. तो देखो क्योंकि ये वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये जो भी है ये क्या उसका कोफिशियंट है, ये जो भी है उसका क्या है कोफिशियंट है. तो यहां पे कोफिशियंट के लिए मुझे क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए. कोफिशियंट के लिए क्या चाहिए मुझे, आर की वैल्यू. आर की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से. तो यहां पे देखो 6 माइनस आर मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 2. तो यहां पे देखो क्या आएगा बेटा, 2r इज इक्वल टू 4. r क्या आ गया, 2 आ गया. r क्या आ गया, 2 आ गया. r 2 आ गया, बस r 2 आ गया. तो हमें क्या कोफिशियंट पता चल गया. तो द कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर इज क्या होगा, 6c2 6c2 3 रेस्ट टू द पावर 6 माइनस आर दैट इज व्हाट 4. सो दिस विल बी द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 1 बाय एक्स रेस्ट टू द पावर